मध्य प्रदेश में सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चाहे कितने भी प्रयास कर ले, एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय खोल ले, मॉडल स्कूल खोल दे, या फिर सीएम राज स्कूल बना दे, या फिर पीएम श्री स्कूल खोल दे, लेकिन शिक्षा प्रदान करने वाले जिम्मेदार शिक्षक उसमें ग्रहण लगा देते हैं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, जहां नवनिहालों के भविष्य से शिक्षक खिलवाड़ करते हैं। अक्सर वीडियो और तस्वीरें सामने आती हैं कि शिक्षक स्कूल में धूप सेकते हुए सोते हैं, कभी नशे की हालत में स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में शराब का सेवन करते हैं और छात्रों को स्कूल से भगा देते हैं। कभी तो कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां स्कूल के शिक्षक समय पर विद्यालय ही नहीं पहुंचते, क्योंकि हो सकता है कि विद्यालय के शिक्षकों को और भी अन्य काम होते भी होंगे और यह शिक्षक पहले काम करते भी हैं, तभी तो विद्यालय का काम देरी से शुरू करते हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ लिख लिए होंगे या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर विदेशों में पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर वहाँ कमाई कर रहे होंगे। इनको दूसरे के बच्चों के भविष्य से क्या लेना देना, अन्यथा यह शिक्षक समय पर स्कूल आते और छात्रों को पढ़ाते। ताज़ा मामला सामने आया है रीवा जिले के छिजवाड़ प्राथमिक पाठशाला का, जहां शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते। खैर, वहां के प्राचार्य ही विद्यालय समय पर नहीं पहुंचती हैं तो शिक्षक भला कैसे पहुंचे। ऐसे में वहां की प्राचार्य ताला खोलने का दायित्व, स्कूल चलाने का दायित्व वहाँ की खाना बनाने वाली रसोईया को सौंप दिए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा विद्यालय में जाकर देखा गया तो समय पर स्कूल के शिक्षक और ना ही प्राचार्य उपस्थित थे। वहीं रसोईया ने बताया कि विद्यालय की प्राचार्य आती है लेकिन थोड़ा देर से। देखिए, सबको अपने अपने काम है और यह सब शिक्षक अपने काम निपटा के फुर्सत से ही स्कूल आते हैं, भले ही छात्रों का भविष्य क्यों ना निपट जाए। आप भी देखिए किस तरह से नवनिहाल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना ही जिला शिक्षा अधिकारी की नजर इन पर पड़ी और ना ही किसी अन्य विभागीय अधिकारी की, क्योंकि यह सब अधिकारी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने में भिड़े रहते हैं, क्योंकि इनको इनसे मोटी रकम मिलती है और इन छात्रों से क्या लेना देना। आप भी देखिए किस तरह से छात्र किस्मत भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा का अभी गलत जा रहा है। बोले व्हाइट लेंगे का और इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट लेंगे। अच्छा, उनको मतलब अंदर कर सकती थी, बाकी मैं जवाब नहीं। और तो ऐसा है ना, तो कभी कभी वो आ जाते हैं यार, कभी कभी टाइम से आ जाते हैं, पानी यही करा बस है ना। हेर बजे से है, 11 बजे तक आ जाती है। 10 बजे से है, 11 बजे तक आ जाती है। आज 11 बजे नहीं आई, पौने 12 बजे आ। बच्चे बैठे हैं, बच्चों की फोटो लेंगे, फोटो ले। हम बताइए प्रतिमा, आगे अपना का चाबी दे जाती है उसको। अरे का बताइए कि आती है तो वो बोले कि लेके हम लोग ले आते हो। कोई आते नहीं, क्या आते हो? वही अमित की वो कौन है? तो आपको चाबी दे जाते हैं स्कूल वाले, स्कूल फोन लेना। हाँ, फोन लेना बच्चों को, मतलब बैठाए रहना, देखना जब तक अमित की। हाँ, आते हैं तो यहाँ स्कूल आते हैं टीचर? नहीं। कभी नहीं आते?
स्कूल कौन खोलता है? आप आंटी? कौन आंटी? स्कूल की जो खाना बनाती है। अच्छा, भोजन मिलता है खाने को? अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कितने पढ़ते हैं? मेरा माती है। मैं भी आती। कब? 11 बजे। ये तो आप लोगों की जवाबदारी है। मेरा छुट्टी मांगा कोई? अरे छुट्टी में भी हमने आपको फोन किया 11:30 बजे के आसपास, और आपने कहा छुट्टी में है, तो हम लोग कोई बात बात नहीं। आपको कोई जानकारी हुई? नहीं बात हमने, आपने हमको फोन किया तो कोई जानकारी हुई हमको। मान ली इस भाग से अगर हम फोन ना करें तो हम जाते मैडम है यहाँ अपने यहाँ नंबर में है और मैडम छुट्टी डाल देते असल जी साथी असल चले नहीं आते। कहाँ डाली जाए ये ग्रुप पर डाली जाए? कोई ग्रुप तो अपन खुद ने देखी, तो जब पहली जगह डाली सोई तो सामने वाला तो देख ली सोई कि मतलब ग्रुप पर छुट्टी पड़ी जा रही है, ग्रुप में डाली जाए। ग्रुप पर छुट्टी डाली जाए बिहार की छुट्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब अपना डाले हुई है बैगन डाली हुई है तो एक आदमी देख ली सोई की त्रिपाठी जी वो छुट्टी में है। ये छुट्टी हमें डाला, ये छुट्टी हमें डाला, ग्रुप की छुट्टी है। ये टाइम तो भाई कितनी का डाले? टाइम में करो टाइम में जाने टाइम हम देख लेंगे ना टाइम कितनी का डाले। नौ पचपन में डाले हैं ये है ना? रुक जाइए आप कितने बजे आए ये बताइए। अरे कभी भाई धोखा होगा तो कहा कर पूछ ही देते, कुछ आवत बीमार है स्वास्थ्य गड़बड़ है अब डाल दीजिए अजी, तो अपने क्यों फोन करिए कि हम गए तो नहीं आई है ना, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये बात क्यों नहीं हुई हमेशा स्कूल आते हैं क्या मामला है यहाँ जी? आज जो है तो यहाँ प्राथमिक पाठशाला आए हुए है, कई दिनों शिकायत मिल रही थी अभिभावकों की टीचर जो है टाइम से नहीं आ रही है। आज हमने यहाँ देखा तो अभी 12:15 बज रहे हैं, दो टीचर यहाँ पे नियुक्त हैं, सारंग त्रिपाठी जी और प्रतिभा चौधरी जी। तो जो जानकारी मिल रही है कि इनका डेली करवाइया यही है, प्राथमिक पाठशाला 1 से 5 तक बच्चे आ रहे हैं बैठे, जैसा कि आप देख सकते हैं बैठे भी हैं। इस तरह मैं एक आध बार जो है तो ऊपर भी शिकायत किया था तो कोई सुनवाई नहीं थी। निवेदन है जिला अधिकारियों से डीओ साहब से कि इसकी जांच की जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और लोगों को विश्वास हो कि प्राथमिक पाठशाला में सरकारी स्कूल में बच्चे अपने भेजें। इस तरह में कौन अभिभावक अपने बच्चों को भेजेगा? टीचर 12:00 बजे 1 बजे अभी 1 घंटे बाद स्कूल बंद हो जाएगी, यहाँ मध्यान्ह भोजन बन रहा है, उनके हाथ में चाबी रहती है, उनको जो है तो टीचर को बोलते हैं कि खोल के बस बच्चों को बैठाया रहना, यह स्थित है। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम पंचायत सरपंच हूँ, ज्ञान सिंह नाम है मेरा। सरकार समय दे दी है सरकारी कर्मचारियों की 10 बजे से 6 बजे तक जो है तो टाइम में हाजिर रहें, भले बच्चों की छुट्टी 5 बजे हो जाए। अरे समय से 10 बजे के हम जैसा कि आप बताए 12:15 बज रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई टीचर मतलब आए नहीं है और 3 बजे के आसपास स्कूल बंद हो जाती है, आए या ना आए यहाँ जो चाबी रहती है मध्यान्ह भोजन जो बनाती हैं महिलाएं बंद कर देंगी, बच्चे चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, यही रवैया चल रहा है। कई दिनों शिकायत मिल रही थी, कोई अनुवाद से देखने आए थे कि क्या सही है, तो ये सही है और कई लोगों से आसपास लोगों से कुछ पूछे, उन्होंने बताया कि मतलब इसी तरह रवैया है। अभी 10 दिन से स्कूल खुल रही है, उसके पहले भी पिछले सत्र में भी यही जो है तो करीब ये
प्रतिभा जी है मास्टर है, करीब 25 साल से यहाँ पे जो है तो नियुक्त हैं, आ रही हैं। सारा ग्रंथ त्रिपाठी जी हैं, एकाध बार उनसे उन्होंने कहा तो बोलते हैं कि अब हमारी जो है तो यहाँ मीटिंग रहती हूँ, वहाँ मीटिंग रहती है, मैं यहाँ छुट्टी लगाया हूँ, जब भी उनसे फ़ोन में बात करो ये हालत है यहाँ। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।